जनवरी विश्राम प्रदान करते हुए अच्छी निद्रा को भी हमें देकर हमारे शरीर की सारी थकावटों को दूर करते हुए हमारे जीवन के सारी परिश्रम को भी मिटाते हुए एक नई सुबह में हमें प्रवेश करवाया है। हम इसलिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी अनुग्रह है कि एक नए दिन को देख पाए हैं। ये आपकी कृपा है परमेश्वर कि आज हम फिर से एक बार अपने आप को प्रभु जी आशीष मानों की गिनती में भाग्यवानों की संख्या में और भोर को ही आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए महिमा आराधना में हमारे सिरों को झुकाते हुए हमारे हाथों को उठाकर आपकी दुहाई देते हुए आराधना करने प्रशंसा करने उपासना करने वाले छोटी सी झुंड में आपने हम सबको संभाले रखा है, शुक्रिया अदा करते हैं। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक के माध्यम से भोर को परमेश्वर हमारे बिस्तरों के ऊपर जिस प्रकार से आप बातों को लेकर आते हैं, आपके वचनों के अध्ययन में चलाते हैं और साथ ही साथ में स्वर्गीय आशीर्वाद स्वर्गीय मन्ना हम तक पहुँचा कर हमें तृप्त करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक विश्वास को जगाते हैं, हमारी हिम्मत और हौसला को बढ़ाते हैं। आप हमारे साथ हैं ये आश्वासन दिलाते हुए हमें आप जिस प्रकार से चलाते हैं शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर। आभार प्रकट करते हुए महिमा गौरव आप ही को देते हुए हमारे दिन को आरंभ करने से पहले वचनों को ध्यान करके थोड़े समय प्रभु जी आपके शब्दों को सुनकर आज के हमारे वर्तमान जीवन में आपके उद्देश्य को भी जानकर हम आगे बढ़ने के लिए अपने आप को सिद्ध करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर ले दीजिए, सर्व सामर्थ से भर दीजिए, हमारे मनों को हमारे प्राण को हमारी आत्मा को उत्तेजित करने वाली एक सामर्थी वचन आज सुबह के वक्त हमारे पास लेकर आए। इसी आशा के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की। हमारे अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। उत्पत्ति की किताब में हम तीसरे अध्याय में थे, किस प्रकार से ज्ञानी अज्ञानी आदम के विषय में हमने ध्यान किया था। परमेश्वर उन्हीं के पास थे, उन्हें बनाकर वैसे छोड़कर नहीं चले गए हैं, उन्हें बनाकर उन्हें दो बातें बताकर चले नहीं गए हैं, उन्हें अकेले नहीं छोड़े हैं, परमेश्वर उनके संग थे, हवा को बना कर दिए थे, वे दोनों पति पत्नी के रूप में थे, लेकिन परमेश्वर उन्हीं के करीब थे, उनसे काफी दूर नहीं गए थे। लेकिन किस प्रकार से सर्प इन्हें भरमाने में कामयाब हो जाता है, इन बातों को भी हमने ध्यान किया था। आज कुछ और बातों को ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सर्प और हवा के बीच में चल रही वार्तालाप पर भी गौर करेंगे। उस एक फल के कारण मनुष्य का क्या नुकसान हुआ है, परमेश्वर का क्या नुकसान हुआ है, इन बातों के ऊपर हम रोशनी करते जाएंगे। अयोपति की किताब में तीसरे अध्याय में चलते हैं, पहला वचन से पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलु पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर तो था, और उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फलों को हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय परमेश्वर ने कहा है कि ना तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर की तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भावो और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सोनन अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे जताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तो सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक श्रापित है, तो पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को
आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उठाएगी और तो खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब परमेश्वर ने उसको अधीन की वाटिका में से निकाल दिया कि उस भूमि पर खेती करें जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का बहरा देने के लिए अधीन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वाला में तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा कर सर्प की बातों में बहक कर परमेश्वर ने जिस फल को खाने से मना किया था उस एक फल के कारण कितनी बड़ी तबाही आ चुकी है, बहुत सारा नुकसान हो चुका है। परमेश्वर ने कहा है, भूमि अब से लेकर कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और आदम जो खेत की उपज खाएगा वो अपने पसीने से रोटी को खाएगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा है तो मिट्टी में से निकाला गया है, अंत में मिट्टी ही बन जाएगा। कुछ गहराई के शब्दों को ध्यान करते हैं। ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण से मनुष्य वापस मिट्टी बन गया है? पाप से बचने के लिए परमेश्वर ने आदम को कोई उपाय क्यों नहीं रखा है? कि परमेश्वर ने उन्हें इतनी सख्ती से सजा को सुना दिया है? अगर परमेश्वर ने आदम को क्षमा कर दिया होता या फिर कोई उपाय रखकर परमेश्वर ने इस प्रकार की दंड से या धरती को इस प्रकार से बनने से, मनुष्य को इस प्रकार से दुखी जीवन को बिताने से परमेश्वर ने रोक लिया होता, परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया है? वचन गौर करते हैं। परमेश्वर ने आदम से कहा है कि फलाना काम ना करना, और एक ही काम परमेश्वर ने कहा है, एक ही फल को खाने से परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन आदम ने वही काम किया है। मान लेते हैं आपकी सोच के अनुसार, आपके विचारों के अनुसार आदम को क्षमा करना चाहिए, आदम को एक और मौका देना चाहिए कि आदम फिर से कोई गलती नहीं करेगा, कि आदम फिर से सर्प की बातों में बहक नहीं जाएगा, कि आदम फिर से परमेश्वर का उल्लंघन नहीं करेगा, वो तो निश्चय करेगा, क्योंकि आदम के भीतर अभी बुरा ज्ञान आ चुका है। पिछले ध्यानांश में हमने देखा था आदम के भीतर परमेश्वर ने अपने समान के ज्ञान को भरा है, अभी आदम बुरा ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। बुरा ज्ञान को प्राप्त करना खतरा नहीं है, परंतु उसी बुरे ज्ञान के कारण जो बुराई करते हैं, जो बुरे काम होता है, वही घातक होता है, वही बुरा होता है, उन्हीं से परमेश्वर घृणा करते हैं। अभी आदम न केवल बुरा ज्ञान को प्राप्त करता है, परंतु आदम अभी बुराई करने वाला इंसान बन गया है। उनके भीतर अच्छाई थोड़ी कम मात्रा में काम करने लगती है, क्योंकि अच्छाई को अगर उन्होंने काम में रखा होता तो बुरा काम करने के लिए भला या बुरा का ज्ञान देने वाले उस फल के पास क्यों जाता? तो सबसे पहली बात यह है, आदम को दूसरी बार मौका दे, तीसरी बार मौका दे, फिर भी गिर जाएगा। मनुष्य के स्वभाव है, आप और मैं भी, हम सभी गिर जाते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है? एक धर्मी इंसान अगर 7 बार भी गिर जाए तो फिर से उठकर खड़ा हो जाएगा। ये केवल धर्म इंसान के विषय में है, हर किसी इंसान के विषय में नहीं है। बुरा इंसान कभी बुराई में से उठ नहीं पाता है। अभी आदम ऐसी बुराई में गिर चुका है कि उस जगह से भी आदम को उठने का कोई आशा नजर नहीं आती है। ध्यान से क्रमानुसार कुछ बातों को गौर करेंगे। पहली बात यह है, आदम और हवा ने दोनों ने ही परमेश्वर की बात का विश्वास किया है, परमेश्वर का संदेह किया है, और इसलिए सर्प की बातों को मान लेते हैं। परमेश्वर की बातों से ज्यादा सर्प की बातें उनका विश्वास योग्य लगी हैं। परमेश्वर ने उनको धोखा दिया है, ऐसा उनका विश्वास करना था, क्योंकि सर्प ने कहा है, परमेश्वर ने तुम इस फल को खाने से इसलिए मना किया है क्योंकि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान बन जाओगे। तो हवा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था, विश्वास कर बैठी थी, और सर्प ने यह भी कहा है कि तुम्हारी आंखें भी खुल जाएंगी और तुमको ज्ञान मिलेगा। कैसे ज्ञान? भला या बुरा का ज्ञान मिल जाएगा और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो इसके बाद स्त्री फिर से एक बार उस फल की ओर देखती हैं, वो खाने में अच्छा लगा उन्हें, देखने भी मन भाव लगा है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, इसलिए उसने उसे तोड़कर खाया, अपने पति को बाद में खिलाया और दोनों ने खाया। एक बार सोच कर देखें कि आदम ने बिना किसी सवाल किए हवा के हाथ से फल को लेकर खा लिया है।
कि हवा ने आदम से कुछ कहा नहीं होगा। सर पर हवा के बीच में जो बातचीत चली है उसके बारे में तो निश्चय बताई होगी। और दूसरी बात यह है, वो साबित करना चाहती हैं, देखो मैं मरी नहीं हूँ, परमेश्वर ने हमसे गलत बोला है। अगर मैं मर गई होती तो परमेश्वर ने जो हमसे कहा है वो सच हो गया होता। मैं जीवित हूँ, तुम भी खाओ। इसके अतिरिक्त इन दोनों के बीच में कुछ तो वार्तालाप चलती हैं, कुछ तो बातचीत इनके बारे में चलती हैं, कुछ प्रश्नोत्तर तो जरूर चलता होगा। उसके बाद आदम ने भी खाया और देखा कि वो मरा नहीं है, पर इतना उन्हें एहसास हो चुका है कि वे दोनों नंगे हो चुके हैं, क्योंकि वचन में लिखा है उनकी आंखें खुल गई हैं। क्या सच में इनकी आंखें खुल गई हैं या फिर वस्त्रहीन हो गए हैं? एक बार गौर करके देखते हैं। दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है, वे दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। वे दोनों दिगंबर थे लेकिन गलत प्रकार की लाज उनके अंदर नहीं आई थी। इसी बात को परमेश्वर बयान करते हैं, जिस दिन उन्होंने फल को खाया उसी दिन उनकी आंखें खुल गई हैं, अर्थात वे दोनों एक दूसरे को दिगंबर प्राप्त किए हैं और दोनों ही शर्माते हुए पत्तों के साथ में लंगोट को बना लेते हैं। सर्प की बातों में कितनी सच्चाई है एक बार गौर करके देखते हैं। सबसे पहली बात यह है, परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम इसे खाओगे तो निश्चय मर जाओगे, और सर्प ने इसे गलत साबित करने की कोशिश किया है, लेकिन परमेश्वर की बात ही सच निकल आती है। आदम और हवा दोनों ही दिगंबर थे। सर्प ने उनको बता दिया था तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। यहाँ पर भी वो धोखे में पड़ गए थे, उनकी आंखें इस तरह से खुल चुकी हैं कि वे दोनों एक दूसरे के देखकर लजाने लगे हैं। भला या बुरा का ज्ञान मिल जाएगा, ये बात तो स्वयं परमेश्वर ने कहा था, तुम्हारे पास भला ज्ञान तो है, जिस भले ज्ञान के साथ मैंने तुम्हें बनाया है वो तुम्हारे भीतर तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में बुरा ज्ञान तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा। परमेश्वर ने इनको धोखा नहीं दिया था, सच में ऐसा ही हो गया। आदम बुरा इंसान बन गया है, बुरी ज्ञान के अंदर प्रवेश कर गई है, मृत्यु उनके अंदर प्रवेश कर गई है, शर्म उनके अंदर प्रवेश कर गई है, परमेश्वर से दूर होने लगा, परमेश्वर से छिपने लगा है, परमेश्वर को नापसंद करने लगा है। सर्प जिस काम को करना चाहता था उस काम में वो सफल हो गया है, परमेश्वर से मनुष्य को उसने दूर कर दिया है। इतनी सारी प्रक्रिया खत्म होने के बाद परमेश्वर ने कहा है, अभी आदम अपना हाथ बढ़ाकर अगर जीवन के वृक्ष के फल को खा जाता है तो वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा और बुराई कभी खत्म नहीं होगी, तो इसलिए आओ उसे हम अदन के बगीचे से बाहर कर देते हैं। आदम को परमेश्वर ने अदन के बगीचे से बाहर कर दिया, लेकिन बाहर भेजते समय परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे बनाकर उन्हें सम्मान के साथ ही बाहर भेजे हैं। परमेश्वर से उनसे नाराज थे, कफा तो थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका क्रोध क्षण भर के लिए रहता है, लेकिन उनकी दया, उनकी करुणा जो है और उनका प्रेम जो है वो सदा सदा के लिए रहता है। तो परमेश्वर का क्रोध इतना बड़ा नहीं है कि मनुष्य को हमेशा अपने नज़र से दूर रखे। अदन की वाटिका में से परमेश्वर ने आदम को दूर कर दिया है। कभी कभी आपको लगता होगा परमेश्वर से वहीं पर रहने देना चाहिए था, हो सकता है तो जीवन का वृक्ष को ही हटा दिए होते। परमेश्वर ने उनके साथ में जाति नहीं की है, ना ही परमेश्वर ने गुस्सा के साथ में कुछ किया है, क्योंकि आदम सनातन के जीवन को खो चुका था, अनंत जीवन के साथ में बिना मृत्यु के जो परमेश्वर उनको बनाया था, मृत्यु को अपने भीतर लेकर आते हैं। अनंत जो जीवन था, असीमित जो जीवन था, उसे उन्होंने सीमित कर दिया है, उसे उन्होंने घटा दिया है। अदन के बगीचे से उनको बाहर भेजने का परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की प्रणाली है, परमेश्वर की एक योजना है। आदम को पहले से ही परमेश्वर ने वाटिका की सिंचाई करने के लिए रखा था, अभी आदम को वही काम करने के लिए वाटिका से बाहर भेज दिए हैं जहाँ पर वो बनाया गया था, लेकिन आदम से कहा मिट्टी आखिर मिट्टी बन जाएगी। सब उपदेशक में हम लोग देखते हैं मिट्टी जो की दी मिट्टी बन जाती है, आत्मा जिसने उसे प्रदान किया है उसके पास लौट जाती है। हर एक मनुष्य को परमेश्वर के पास लौटना जरूरी है, हर एक मनुष्य को, भले ही मनुष्य संसार में कितने भी भटक क्यों ना जाए, कितने भी यहाँ वहाँ क्यों ना घूमे, भले परमेश्वर के संग चले या उनके विरोध में चले, लेकिन एक दिन तो उनके सामने जाना है और उनके सामने जाकर खड़ा होना पड़ेगा। आदम ने जो फल खाया था, हवा ने जो फल खाया था, उस फल के अंदर क्या हुआ है और कैसे मृत्यु उनके अंदर प्रवेश करता है, कैसे पाप उनके अंदर प्रवेश करता है, हम इन सारी बातों को कल ध्यान करेंगे। कुछ बहुत ही रहस्यमान और गहरी बातों को हम कल ध्यान करने जा रहे हैं, लेकिन आज के ध्यानांश को इस प्रकार से हम लोग समाप्त करते हैं। परमेश्वर ने हमें प्रेम करते हुए बहुत कुछ दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारे लिए भला नहीं है, ये तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, ये तुम्हारे विनाशकारी है, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये तुम्हें बुराई में गिरा देंगे, ये तुम्हें दुष्टता में गिरा देंगे, ये तुम्हें नाश कर देंगे, इसलिए तुम इससे दूर रहना। लेकिन मनुष्य की चाहत, मनुष्य की हमेशा कोशिश यही होती है जिसे परमेश्वर ने निषेध किया है, उसके पास
किसी न किसी तरीके से जाएं, उसे कैसे भी प्राप्त करें और उसे अनुभव करते जाएं। और यही कारण है आज संसार में इतनी बुराई है, यही कारण है मनुष्य इतनी दुष्टता से भरकर चलता है, यही कारण है इतनी अपवित्रता और इतनी घिनौने काम इस संसार में होते हैं। मनुष्य अपने बुरी हरकतों से बाज नहीं आता है, इसलिए परमेश्वर अपने वचन को भेजते हैं, उनसे निरंतर बातें करते रहते हैं। जब तक कुछ सुनते नहीं है, जब तक स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर वहीं पर रहकर उनसे बातें करते रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर के प्रभक्त गणों, आपके जीवन से परमेश्वर आज बातें कर रहे हैं। जिस चीज को परमेश्वर ने घृणित ठहराया है और जिसे परमेश्वर ने बुरा ठहराया है, जिसे परमेश्वर ने निषेध किया है और जिनके करीब तुम जाने से स्वर्ग से दूर हो जाते हो, उनके करीब ना जाने के लिए परमेश्वर एक और बार प्रेम भरी और विनम्रता की बुलाहट आपको देते हैं और आपसे कहते हैं लौट कर आ जाइए। जिस बुराई को आपने अपनाया है उस बुराई को छोड़कर वापस लौट कर आइए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम वैसे बार आपको धन्यवाद करते हैं। आदम को भलाई प्रभु आपने अदन की वाटिका से बाहर कर दिया था, परंतु आपका प्रेम उनके साथ था, आपकी अनुग्रह उनके साथ में थी, आपकी निगरानी हमेशा उनके ऊपर ही थी। प्रभु उनकी पुकार को सुनते हैं और उनकी दयनीय स्थिति में आप जाकर उनकी मदद करते हैं। साथ ही साथ में परमेश्वर उनको आनंद जीवन का एक और मार्ग को आपने सिद्ध किया है, एक और उपाय को आपने बनाया है आपके पुत्र को इस संसार में भेजकर सारी मानव जाति के उद्धार को सुसमाचार को सुनाकर जो उन पर विश्वास करते हैं नाश न होते हुए अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। ऐसे प्रभु जी योजना आपने बनाकर प्रभु जी हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर आपने जो उद्धार का मार्ग ठहराया है उसके लिए प्रभु फिर से एक बार हम आपके शुक्र अदा करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं, आप ही की महिमा करते हैं। परमेश्वर जिन सौभाग्यों का आदम खो गए थे वह सौभाग्य प्रभु जी हम ना खो पाए, परंतु प्रभु आपके सारे स्वर्ग की बरकतें स्वर्ग के सौभाग्य हम प्राप्त करके स्वर्गीय आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन को परमेश्वर अनंत जीवन से वितृप्त करते हुए अनंत स्वर्ग राज का वारिस बनने के लिए हमें योग्यता देने के लिए प्रभु आपसे नमन निवेदन करते हैं। वचन सुनने हमारे परिजनों के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बढ़ाकर हर एक व्यक्ति को छूकर शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक तंदुरुस्ती, आध्यात्मिक वृद्धि देकर प्रभु जी आर्थिक स्थिति में प्रभु ने बेहतर बनाकर उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए स्वर्गीय बरकतों के साथ में हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए हम आपसे नमन निवेदन करते हैं। अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, फिर से एक बार कल सुबह हम लोग मिलकर आपकी स्तुति प्रशंसा गौरव आराधना करने के लिए हमें जीवित और तंदुरुस्त संभाल कर रखिए। अगर हमारे मिलने से पहले आपके पुत्र के आगमन बादलों के पास संभव होगी तो स्वर्ग राज में शामिल होने का सौभाग्य प्रदान करें। हमारी सारी प्रार्थना को प्रभु जी आपने सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए एक और बार धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। हर एक प्रकार की बुराई से बचाकर ढेरों आशीर्वादों के साथ में परमेश्वर आपको धर्मी और पवित्र बनाकर स्वर्ग राज के वारिस बनाए। हमारी इस दुआ और कामना के साथ में आज के ध्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे।